दोबारा कुछ काम धंधा करोगे भी या नहीं? किसको डेट कर रहे थे शाहिद? किसके साथ पकड़े गए थे शाहिद होटल रूम में? कब आ रही है जर्सी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। सानिया मिर्जा भारत की कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आज के समय में इतनी इज्जत और सम्मान दिया जाता है, जिसके चलते वर्तमान में पूरा देश उन्हें जानता है। सानिया मिर्जा भारत की सबसे बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भारत को बहुत सारे खिताब जिताए हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इन्हें कई सारे पुरस्कार भी दिए हैं। हाल ही में पता चला है कि सानिया मिर्जा बॉलीवुड के नामी अभिनेता शाहिद कपूर को अपना दिल दे बैठी थी, जिसके चलते दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे भी सोशल मीडिया पर जगह जगह मौजूद। हाल ही में सानिया मिर्जा और शाहिद कपूर की एक ऐसी सच्चाई के बारे में पता चला है, जिसके बाद हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सानिया मिर्जा और शाहिद कपूर को होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके चलते वर्तमान समय में हर जगह इन्हीं की बात हो रही है। बता दें कि हुआ कुछ ऐसा था कि शाहिद कपूर और सानिया मिर्जा साथ में कहीं घूमने गए थे। इसी दौरान वो होटल में एक कमरे में रुके थे, जिसके चलते जब कमरे में वेटर कुछ सामान देने आया तो उसने सानिया मिर्जा और शाहिद कपूर को साथ में देख लिया था और उन्हें पहचान लिया था। इसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दोनों के नाम का ढिंढोरा पिट गया और सोशल मीडिया पर दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे आम होने लगे थे। अब शाहिद कपूर को तो आप जानते ही होंगे कि वो बॉलीवुड के कितने बड़े नामी सितारे हैं, जिसके चलते पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें काफी इज्जत देती है। हाल ही में पता चला है कि शाहिद कपूर ने सानिया मिर्जा को डेट किया था और उनके साथ होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसी के चलते सानिया मिर्जा को बोला जा रहा है कि वो शाहिद कपूर को अपना दिल दे बैठी थी। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा ने शादी एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से की है और उनका एक बच्चा भी है। सानिया मिर्जा के जीवन साथी भले ही शोएब मलिक हों, लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर उनके और शाहिद कपूर के बीच की प्रेम कहानी के चर्चे आम होते रहते हैं, जिसकी वजह से शाहिद फिर से चर्चा में आ गए हैं। और शाहिद कपूर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो शाहिद कपूर मृणाल ठाकुर के साथ जर्सी फिल्म में दिखाई देंगे। ये फिल्म 31 दिसंबर 2021 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की जर्सी की इन दिनों काफी तारीफ हो रही है। फैंस ने इस ट्रेलर को खूब प्यार दिया। तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा के हिंदी रिमेक जर्सी का प्रमोशन भी चालू हो गया है। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर बीते हफ्ते सलमान खान के शो बिग बॉस 15 के सेट पर भी पहुंचे थे, लेकिन जर्सी की रिलीज डेट टलने के बाद अभी तक नई डेट का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि मेकर्स इसे OTT पर भी रिलीज करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है? क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्लॉट स्टूडियो।